तीन फाल तो लिया मैंने। I'm dead, भैया जीत गए। मैं जीत गया। Fired all of the bullets. Yeah, you shot me through the heart. Casting dice and roulette. गुड मॉर्निंग गुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। आज है 12 जैन 2021 और ट्यूजडे, और आज मुझे लग रही है थोड़ी फोक ज़्यादा। पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी या नहीं, लेकिन फोक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आज सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा है और टाइम हो रहा है 7:07 तक अभी फोक है और रोशनी भी ठीक से नहीं हुई है। अगर मेरा लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो मैं लास्ट व्लॉग में शॉपिंग कर आया था, जिसमें एक ये शर्ट लेकर आया था और एक ये चप्पल और उसके बाद एक ये टी शर्ट और उसके बाद एक कैप और कैप के बाद एक ये टी शर्ट। ये जो सब मैं लेकर आया था, मैंने बोला था मैं किसी ट्रिप पर जा रहा हूँ उसके लिए शॉपिंग की है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और अंदाज़ा लगाया, लेकिन ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स गलत थे। ज़्यादातर क्या, किसी ने भी अभी ठीक से एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगाया है। और जो यार मेरा ये ट्रिप है वो अभी भी 70-30 है, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि आप वहाँ के व्लॉग देखना चाहते हैं, तो शायद मेरे को अच्छा लगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। और अब यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, जो ये मैं कपड़े लाया हूँ, मेरी ये 5 अलमारियाँ और ये बिल्कुल फुल हो गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब सब ऐसे फुलम फुल हैं, सारी अलमारी इसी तरह है, और जो इससे पहले मैंने लास्ट वीक शॉपिंग की थी वो भी यहीं पर रखी हुई है। तो अब मुझे ये सब इसमें एडजस्ट करना है, तो ये पहले मैं एडजस्ट करता हूं और उसके बाद चलते हैं जिम वर्कआउट करने। चलिए जी अलमीरा सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं अपने जो रोज के रूटीन में मैं क्या करता हूँ, एक शर्ट टी शर्ट जैकेट जो भी निकालता हूँ, फिर उसके मैचिंग के या उससे जो कैरी करने में अच्छा लगे वो शूज और जो एक्सेसरीज है उसके मैचिंग के मैं लेता हूँ। मैं इसके मैचिंग के शूज निकालता हूँ। पहले 2 शूज हैं जो स्काई ब्लू कलर के हैं मेरे पास, लेकिन ज्यादा अच्छे ये लगेंगे, तो इसको निकाल लेते हैं। और अब निकालते हैं वॉच, कैप, कैप भी सेम इसी कलर की है तो इसको भी निकाल लेते हैं। वॉच जितनी भी है इसमें ज़्यादा ये जाएगी क्योंकि इसमें स्काई ब्लू कलर है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये सब मैं कैरी करूँगा जब मैं जाऊँगा। अभी मैं अपनी अलमीरा सेट करता हूँ। ये बैग मुझे रखना है, ये शूज रखने हैं और भी सामान है, पहले इनको रखता हूँ उसके बाद सब रखूंगा। सबसे पहले ना मैं शूज के लिए जगह बना लेता हूँ। शर्ट टी शर्ट तो आ जाएगी कहीं ना कहीं पर, सब प्रॉब्लम जो हो रही है शूज की हो रही है। शूज रखे हुए हैं इधर इधर नीचे यहाँ पर, तो वैसे तो हाउस फुल है, इधर शूज हैं उधर शूज हैं इधर शूज हैं। अब इसी में कहीं ना कहीं मैनेज करके इन शूज को लगाना होगा। शूज मेरे पहले के भी है जो अभी बॉक्स में ही रखे हुए हैं, इसके पीछे जो बॉक्स रखे हुए हैं उसमें अभी शूज रखे हैं जो अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहने, उनको भी आज निकाल कर रख देते हैं, जो कि दिखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम यूज कर लेंगे। पहले इनको बाहर निकालू क्या, वाइट वाइट शूज रखते हैं एक जगह, इसको निकाल कर इधर रखते हैं। इधर हो गया है वाइट शूज का कलेक्शन, ये सब मेरे वाइट हैं और अंदर भी इसमें वाइट है, तो अब मुझे याद रहेगा जब भी मुझे वाइट के साथ कुछ मैच करना है या कोई वाइट कलर का शूज मेरे को चाहिए तो इधर है। और अब इसको करना पड़ेगा खाली। ये है जूती जो मैंने एक बार ली थी, उसके बाद एक बार भी कैरी नहीं की है, तो इसको बॉक्स में ही रख देंगे। ये परफ्यूम, अब निकालते हैं नए शूज। ये ब्लैक कलर के हैं तो इसको ब्लैक जहाँ पर होगा वहाँ रखेंगे। और ये है कलरफुल, तो इनको मैं रखूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने अगर आप मेरे शूज देखेंगे तो कलरफुल हैं। अब ये इसमें सब ये कलरफुल हो गए, उधर व्हाइट और इसमें ब्लैक है, तो यहाँ पर ब्लैक रख दूंगा सारे। इसमें जो है मेरे सारे ब्लैक हैं, तो ये न्यू वाले ब्लैक भी इसी में रख देते हैं। ये इसमें नहीं आ रहे हैं, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कभी कहीं और जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये सब शूज की सेटिंग हो तो गई है, एक दो और हैं बॉक्स में, और जो ये मैं अभी कैरी करूंगा तो इसको कहाँ रखूंगा। चलिए अभी जाता हूँ इनको कैरी करता हूँ, चलता हूँ जिम पर, अब बाद में देखेंगे किसको कहाँ लगाना है। बाकी फिलहाल हो गया, बस जो कैरी कर रहा हूँ इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा किधर लगाते हैं। No.
टाइम हो गया है 8:30 और 8:30 तक भी फोक है, मतलब आज क्या ही कहने, मतलब मौसम ऐसा कर रहा है कि बस रजाई लो और सो जाओ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुश ही रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। घुमकड़ो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फोक में गाड़ी चलाएं तो पार्किंग लाइट ऑन कर लें, क्योंकि पार्किंग लाइट से काफ़ी हेल्प मिलती है, खासकर पीछे वालों को। और जब हाईवे पर हों जब तो ज़रूर चला लें, पैसे नहीं लगते इसे चलाने के, बिजली बिल नहीं आएगा। चलिए जी, एक्सरसाइज हो गई और पुशअप चैलेंज में हम जीत गए। भले ही चीटिंग करी लेकिन हम जीत गए। और यार इतने टाइम बाद किया तो मुझे पता है पुशअप्स मेरे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन मैं टाइम पास कर रहा था और जिसमें हम जीत गए। अब घर जाकर मैं खाना खाऊंगा और सोऊंगा, क्योंकि पावर नैप बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं डेली नहीं ले पाता हूँ, लेकिन 3-4-5 दिन में मुझे पता चल जाता है कि अब हल्की हल्का मतलब एनर्जी नहीं बन रही है, तो रेस्ट ज़रूरी है दिन में। उसके बाद एनर्जी मिलती है ना, पूरा दिन मस्त मिलती है। और अगले दिन मेरी 4 बजे आँख भी खुल जाती है, और मुझे पता है आज मैं दिन में नहीं सोया तो अगले दिन मेरे को बड़ा मुश्किल से 4 बजे उठा जाएगा। तो आज जाता हूँ, एक पावर नैप लेता हूँ। तेज हमारा थोड़ा, वाह, धूप में और मालिश हो जाए वो भी हमारा आके हाथों से, मजा ही आ जाए। लगा के हईसा, जोर लगा के हईसा, मालिश कर दो हईसा। और तेल लगा रहे हो? मेरी तो आग भी नहीं खुल रही धूप से। इसका दिख रहा है आपके आग खुल दिए? दिख रहा है, अच्छे से करते हो आप मालिश। थैंक यू। कितना तेल लगाओगे? कितना दिया है? 1 hour later. टाइम हो गया है 6:10 शाम के, और मैं सो गया था और मेरी आँख नहीं खुली, और इसी की आवाज़ से खुली है। और ये हंसे जा रही थी पता नहीं क्या करके, मेरे सोते हुए फेस पे स्नैपचैट से इंस्टाग्राम से मेरी कार्टून वाली फोटोज बना रही है। दिखाओ, ये देखो मेरी कैसी कार्टून वाली फोटो बना दी, सोने भी नहीं देती। पहले सो नहीं पाया मैं 4:30 बजे तक, ये वैसे खेलती रही करती रही, और उसके बाद मैंने सोचा नहीं सोऊंगा, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई और 6 बजे ये हंसे जा रही है। मैंने कहा कौन है, देखा तो पीछे मेरी फोटो पे स्नैपचैट बनाकर कार्टून वाली वीडियो बनाई जा रही है। चलो रेडी हो जाऊं मैं? नहीं, क्या जिम नहीं जाना मुझे? देखो गाइस, ये चीनी खा रही है और ये बस फिल्टर लगा के मेरे को कार्टून बना रही है और सोने नहीं दिया। हाँ चलो किस कर दो मामू को, फिर मामू रेडी होके जाएंगे। चलो चलो, अब रेडी हो जाए मामू। हाँ जी मामू। A few moments later. अमायरा के उठाने के बाद घर पे मैं वीडियो अपलोड करने लगा, वहाँ पर नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे थे, अपलोड नहीं हो पाया। मैंने सोचा जल्दी जिम चलता हूँ और वहाँ जाके कर लेता हूँ, और मतलब मुझे निकले हुए 40 मिनट्स हो गए हैं, नेट 7 बज चुके हैं, अभी तक मैं इस ट्रैफिक से नहीं निकल पाया हूँ। आज की वीडियो शायद इस वजह से थोड़ी लेट हो जाए, 54% घर पे अपलोड हो गई थी, जाके जल्दी से करूँगा और जो बाकी की बची है वो भी जल्दी अपलोड हो जाए, तो 7:10-7:15 पे वीडियो आ जाएगी। लेकिन यार ट्रैफिक कितना है आज। जिम आया था और बैठे बैठे यार अंदर से आवाज़ आ रही है कि वर्कआउट कर ले, मतलब जब आपको रिजल्ट मिलता है ना आपके अंदर से फील होता है कि वर्कआउट कर ले। मैंने सुबह भी किया लेकिन इतनी एनर्जी और इतना मोटिवेट हो रहा हूँ कि मन कर रहा है अभी भी वर्कआउट कर लो। तो मैं अभी वर्कआउट करूँगा, चाहे 30 मिनट 40 मिनट्स, लेकिन मैं अभी भी वर्कआउट करूँगा। मतलब हो गया रहा है, एक टाइम वर्कआउट नहीं हो रहा था, दो टाइम वर्कआउट करने का मन कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बस इस टाइम एक्सरसाइज करने में एक ही प्रॉब्लम है कि अब मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, और मैंने लास्ट मील जो ली थी वो 2 बजे ली थी, मैं सो गया था 4:30 बजे और 6 बजे उठा, तो उसके बाद मेरा टाइम ओवर हो गया था। अब एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ लेकिन पानी से ही गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ हमें साजिश की जा रही है दोबारा मोटा करने की, और लड्डू बनाए जा रहे हैं। तिल के लड्डू हैं? तिल के लड्डू
कब बंद करोगे इनको बनाना? ये पूरी सर्दी बनेंगे। पूरी सर्दी बनेंगे, हम कैसे कंट्रोल करें पूरी सर्दी? डाइटिंग कर रहे हैं आप, करने ही नहीं देते, कभी कुछ दिन में खा लेकर। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था, आज है 12th January और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब होगी 13th January और 13th January को होती है लोरी। तो सबसे पहले आप सबको एडवांस में हैप्पी लोरी। और यार जो कल व्लॉग होगा ना, जो लोरी स्पेशल होगा, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, मतलब बहुत ही मस्त व्लॉग होने वाला है। उसमें मैं गुरुद्वारे जाऊँगा और अपने किसान भाइयों के पास जाऊँगा जो पंजाब से आकर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाकर देखूँगा कि वो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी जो लोरी बनाई जाती है वो पंजाब में ही बनाई जाती है। और इस टाइम वो बॉर्डर पर आकर एक संघर्ष और एक अपनी मेहनत पर लड़ रहे हैं, तो वहां जाकर देखते हैं कि किस तरह वो कल सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो पे कुछ नया लेकर। जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।